हाँ, जब उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे तब मैंने नवीन बाबू को फ़ोन करने का कोशिश किया था। नवीन बाबू मेरा फ़ोन में नहीं आया वो दिन, लेकिन उनका ऑफिस में मैं पत्र लिख के बोला था कि अगर उस समय मेरा चीफ सेक्रेटरी भी उड़ीसा का ऑफिसर लोगों से बात किया था कि आपका ट्रेन एक्सीडेंट का समय में अगर असम सरकार का कोई भी सहायता चाहिए हम लोग हाजिर है। उड़ीसा, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, हम लोग ईस्टर्न इंडिया का है, बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल रूट्स है। और उड़ीसा और असम हमारा भाषा भी लगभग 60% एक है, इसीलिए जब उड़ीसा का प्रॉब्लम होगा असम हमेशा उड़ीसा का साथ है, और उड़ीसा का जब असम का जब समस्या होते हैं उड़ीसा हमारा आशा है हमेशा हमारा साथ रहेगा। लेकिन जो आज असम में हुआ है छोटे ही हुआ है, हमारा कंट्रोल का लिमिट में है। अगर कुछ बड़े होते हैं हमारा उसमें कोई प्रेस्टीज का बात नहीं होगा, हम नवीन बाबू को फ़ोन करके मदद मांग लूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज एक बात मैं बोल के जाता हूँ, ये बार बार नवीन बाबू का जो पार्टी है, काल शायद शशमीत पात्रर और किसी ने बुलाया कि असम का उधार बहुत है हमारा उधार कम है। मैं बताना चाहता हूँ असम का उधार बहुत नहीं है, वी आर वन ऑफ द लोएस्ट स्टेट, डेट मैनेजमेंट हमारा अच्छा है। लेकिन अगर 1 लाख पोस्ट में वैकेंट रखता हूँ तो उधार लेने का मेरा क्या ज़रूरत है। 1 लाख पोस्ट का मतलब 500 करोड़ रुपया, अगर सरकार में आप अपॉइंटमेंट ही नहीं देगा सरकार का खर्चा अपने आप कम हो जाएगा, उधार लेने का आपको क्या ज़रूरत है, इकोनॉमी ही नहीं होगा। आज पूरा पांडियन जो सरकार चला रहा है ये एक बहुत नया मॉडल है, इसको जाके मैं स्टडी करूँगा कि आप सरकार में किसी को नौकरी मत दीजिए। अगर 1 लाख लोगों को नौकरी नहीं देते हैं, 50,000 करके एक व्यक्ति का सैलरी होते हैं, मतलब 500 करोड़ रुपया हर महीना आपका सेविंग हो जाते हैं, तब आपको उधार लेने का क्या ज़रूरत है। मैं पांडियन को बोलना चाहता हूँ, आप मेरा प्रदेश एकदम छोटा प्रदेश है, मेरा बजट 1,20,000 करोड़ रुपया है, उड़ीसा का साथ मैं कहीं भी कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं असम का लोगों को पेट्रोल 96 रुपीज़ में देता हूँ, पांडियन आप लोगों से 101 रुपया लेता हूँ।